नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कंवल, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके प्राचीन भारत के इतिहास में रुद्र दामन पर आधारित है। इतिहास में ये महाक्षत्रप के नाम से रुद्र दामन प्रथम के नाम से विख्यात है। इसके इतिहास का जो मुख्य सोर्स है वो भी उसका जूनागढ़ का लेख है। जिस शिला पर रुद्रदामन का लेख है उसी पर अशोक का भी एक लेख प्राप्त है। लेख में 72 तिथि दी गई है जो शक संवत की मानी जाती है। इससे पता लगता है कि रुद्रदामन ने कम से कम 150 ईस्वी तक अवश्य राज्य किया था। जूनागढ़ लेख जो है वो इसका बहुत अच्छा सोर्स है इतिहास जानने का, रुद्रदामन का। जूनागढ़ लेख के अनुसार वह अपनी प्रजा के द्वारा संरक्षक चुना गया था और उसने अपने लिए स्वयं ही महाक्षत्रप पद उपार्जित किया था। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे उनका वर्णन हम लोग देखते हैं कि उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख राज्य शामिल थे। आप देखिए, उसके पहला पूर्वी और पश्चिमी मालवा, दूसरा मांधाता प्रदेश, द्वारका के आसपास का प्रदेश, जूनागढ़ के आसपास का प्रदेश, साबरमती नदी का तटवर्ती प्रदेश, मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, और आप देखिए कि सिंधु नदी का डेल्टा और सिंधु नदी और पर्वत के बीच का प्रदेश, और अप्रांत अर्थात उत्तरी कोंकण, और निषाद, सरस्वती और पश्चिमी विंध्याचल का प्रदेश, और कुछ अन्य प्रदेश भी शामिल थे। इसी प्रकार नासिक के सातवाहन अभिलेख में गौतमीपुत्र शतकर्णी को असिक, असक, मूलक, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये सब उसके राज्य में शामिल थे। तो इससे पता चलता है कि रुद्रदामन ने गौतमीपुत्र शतकर्णी के किसी उत्तराधिकारी से राज्य छीना था। और आप देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार दक्षिणापथ पति सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी था। अब हम ये देखते हैं कि रुद्रदामन के साम्राज्य में सिंधु सौवीर की का गणना यह प्रदर्शित करता है कि इस प्रदेश को उसने कुषाण शासक कनिष्क के किसी उत्तराधिकारी से जीता होगा। अब हम एक बार ये देखते हैं कनिष्क का साम्राज्य देखने के पहले कि रुद्रदामन का शासन प्रबंध कैसा था। आप विद्यार्थी याद रखिएगा, पहले तो आपके ये पूछ सकते हैं कि रुद्रदामन जो था उसके राज्य विस्तार, उसका राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, वो मैंने भी आपको ऊपर बताया है ना। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि रुद्रदामन का शासन प्रबंध कैसा था। तो आप ही बताएंगे कि रुद्रदामन ने का शासन जो था उसका विशाल साम्राज्य था और उसमें वो अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत की शासन व्यवस्था के लिए स्वामी भक्त प्रांतीय शासकों को नियुक्त किया जाता था। जूनागढ़ लेख से ये पता चलता है कि उसने अपना राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद रखी थी जो दो वर्गों में बटी हुई थी। उस मंत्रिपरिषद के दो विशिष्ट वर्ग थे, उनके द्वारा वह शासन को चलाता था। और यही नहीं बल्कि जूनागढ़ लेख में रुद्रदामन के समय हुए, ये भी आपके दो नंबर का प्रश्न आ सकता है, उस झील का नाम बताइए। वो बहुत ही फेमस झील थी, उस झील का नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के कार्य का उल्लेख हुआ है। लेख के अनुसार इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके अधीनस्थ गवर्नर जो होते थे पुष्यगुप्त ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? पुष्यगुप्त ने इस झील को बनवाया था और बाद में अशोक के प्रांतीय शासक ने इसमें कुछ कार्य भी करवाया था। और रुद्रदामन के समय में इतनी अधिक बाढ़ आ गई थी कि रुद्रदामन ने बाढ़ के पानी से झील टूट गई थी, तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार उसके प्रांतीय शासक सुविशाष ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। लेख में कहा गया है कि इस काम में लगे संपूर्ण व्यय का भार रुद्रदामन ने अपने निजी कोष से दिया था। इस कार्य के लिए उसने प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया था।
जूनागढ़ लेख में गर्वपूर्वक ये भी कहा गया है कि उसने अपनी प्रजा पर बिल्कुल अन्याय नहीं किया था और उसने अपना राजकोष जो है वो बहुत सोना चांदी कई चीज़ों से रजत तो चांदी कर्णक सोना और वज्र कई चीज़ों से अपना राज्य कोष जो था भरा हुआ था। और उसके लेख में बल्कि ये भी है कि उसने व्याकरण राजनीति संगीत तर्क विद्या आदि का वो अच्छा ज्ञाता था और उसने गद्य और पद्य रचना में बहुत कुशलता प्राप्त कर रखी थी। आपके चार नंबर का प्रश्न या दो नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है, सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन कीजिए। उसमें आप ही बताएंगे उसने कौन से अपने मंत्री के द्वारा और कौन से राजकोष से उसने पूरा खर्चा जो वहन खुद ही वहन किया था। और रुद्रदामन के बाद शक क्षत्रपों के इतिहास में कुछ विशेष उल्लेखनीय योगदान नहीं है। उसके बाद के शासकों के विषय में सोर्स भी बहुत कम है। केवल मुद्राओं से उनकी तिथियों के विषय में पूर्व अनुसार क्रम के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। उससे हमें पता पड़ता है कि उसके बाद का शासनकाल उज्जैनी में शकों ने 100 वर्ष से ऊपर शासन किया। 388 तक इनका 388 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला। और रुद्रदामन के बाद चष्टन वंश में उसका जो दामाद था दामजद जो था उसका पुत्र शासक बना और उसके बाद उसका जीव दामन उसका शासक बना। और अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुषाण वंश इनके बाद ठीक इनके बाद कुषाण वंश गद्दी पर शासन प्रारंभ हुआ था। इसमें कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का प्रमुख शासक था कि कुषाण वंश ने शासन किया था। और ये लोग चीनी इतिहासकार बताते हैं कि ये लोग यूची जाति की शाखा के लोग थे और इन्होंने शासन प्रारंभ किया था। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कुषाण वंश का इसमें क्या योगदान। धन्यवाद।